हेलो एंड वेलकम टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनालिसिस। हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं विजय जी, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको अच्छे से याद होगा, अभी 14 सितंबर की ही तो बात है जब सुदूर उत्तरी अरब सागर में तैनात इंडियन नेवी के जहाज को अमेरिकन नेवी फ्लीट टैंकर ने तेल मुहैया करवाया था। जाहिर है, यदि अमेरिकन तेल ना मिलता तो या तो इंडियन नेवी को अपने रिफ्यूलिंग टैंकर भेजना पड़ता अथवा हमें दूर डिप्लॉयड अपने शिप को वापस बुलाना पड़ जाता। बात साफ है, इस अमेरिकन मदद के दम पर ही भारत वाजिब कीमत पर हिंद महासागर के दूर दराज इलाकों में मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। हम सभी को यह ज्ञात है कि भारत और अमेरिका के बीच यह अभूतपूर्व कोऑपरेशन सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट फाइनल हुआ था, लेकिन इस बार अमेरिका की मदद करने की बारी भारत की थी। दुश्मन की पनडुब्बियों को हमेशा के लिए डुबाने वाला और समुद्र के चप्पे चप्पे पर नज़र रखने में सक्षम अमेरिकन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट P-8 उड़ रहा था अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास, और उसे ज़रूरत पड़ी रिफ्यूलिंग की तो काम आया पोर्ट ब्लेयर में भारत का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत को पूरा किया गया। पॉइंट यहां पर वही सिंपल है, आज भारत की फैसिलिटीज़ का लाभ उठाकर अमेरिका मलक्का स्ट्रेट पर नज़र गड़ाए हुए है। यदि अंडमान निकोबार में अमेरिका को तेल नसीब नहीं होता तो हम सभी को अंदाजा है कि अमेरिकन जहाज को लौटकर डियागो गार्सिया तक आना पड़ता। इस प्रकार यह लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शायद यही कारण है कि भारत के लेफ्ट लिबरल और कम्युनिस्ट एक्सपर्ट्स और नेताओं ने हमेशा इस एग्रीमेंट का विरोध किया। जब भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इस सहयोग से चाइनीज ड्रैगन की घमंडी उड़ान पर जरूर पाबंदी लगेगी, और यही दिखाई दिया कल जब अमेरिकन विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कर दिया कि पिछले 60 सालों से अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता आया है और LAC के आसपास चीन की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का अमेरिका जबरदस्त विरोध करता है। अमेरिका भले ही अरुणाचल प्रदेश के इंडियन स्टेटस में 60 साल से भरोसा रखता आया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बार वह खुलेआम अपना यह विश्वास प्रकट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सपोर्ट बातों बातों तक ही सीमित है। हम सभी को अच्छे से जानकारी है कि लद्दाख की ऊंचाइयों पर भारतीय सेना की तैनाती को मजबूती से बरकरार रखने के लिए सुपर हरक्यूलस कार्गो एयरक्राफ्ट ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। स्वाभाविक है, भारत के सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अमेरिकन मदद चाहिए होगी, इसलिए अमेरिकन रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को बता दिया है कि इंडो पैसिफिक एरिया में अमेरिकन हितों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका भारत को $90 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स मुहैया करवाएगा। सुपर हरक्यूलिस कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लीट को इन सर्विस बनाए रखने के लिए यह अमेरिकन मदद बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे कि अब जबकि भारत में डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से खुल चुका है, हम अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही अमेरिकन कंपनियाँ भारत में निवेश को लेकर आगे बढ़ेंगी। बात साफ है, डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद विक्री से आगे बढ़कर भारत और अमेरिका के बीच जल्द से जल्द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आपसी सहयोग और भागीदारी बढ़नी चाहिए। जैसा कि अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि एक शक्तिशाली भारत अमेरिका के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, हमें उम्मीद है कि अमेरिका अपने इस निष्कर्ष पर जमीनी अमल को और तेज करेगा। इसी बीच जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव अपने चरम पर है, प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हम सभी उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको आज का टॉपिक और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।